रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंजाब 1999, जहां सारी दुनिया मिलेनियम ईयर को वेलकम करने की तैयारी कर रही थी, वहीं मेरी मॉम आज भी अपने ओल्ड एज वाले फेरी टेल रोमांस में अटकी हुई थी। कम, आई विल मेक यू मीट माय फैमिली। ये है मेरी मॉम, दौलतगंज की राजकुमारी, थी, लेकिन आज भी हर रोज अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल के पहनती है। शी बिहेव्स लाइक शी स्टिल अ प्रिंसेस। और ये मेरे पापा, सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से। आज इनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, या फिर मॉम की लैंग्वेज में कहें तो 30th एनिवर्सरी ऑफ देयर इटर्नल लव। फेरी टेल रोमांस था दोनों का, पापा सिंपल मिडिल क्लास घर के और मॉम दौलतगंज की राजकुमारी। पापा डांस सिखाने महल आते और मॉम स्टेप सीखते सीखते फेल स्ट्रेट इन लव। ऑब्वियसली नानू को मंजूर नहीं था, इसलिए मॉम ने घर, फैमिली, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया जस्ट टू बी विद डैड। और फिर हम पैदा हो गए, हम मतलब मैं और मेरी दो सिस्टर्स। हमारी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा था कि शायद गॉड भी जेलस हो गए और डैड को अपने पास बुला लिया। बट मॉम ने हमें कभी सैड नहीं होने दिया और शायद इसीलिए हम मॉम से इतने कनेक्टेड हैं, स्पेशली देवीना दी, मेरी सबसे बड़ी बहन। दी लव मामा और मॉम डैड के लव स्टोरी की सबसे बड़ी फैन है। मुझे आपके और पापा की लव स्टोरी सुनाओ ना, जितनी बार भी सुनती हूं। और उनकी एग्जैक्ट ऑपोजिट है मेरी दूसरी बड़ी बहन ईशा। ओ प्लीज देव, तुम्हारी वजह से बार बार ये स्टोरी सुन के सफर करना पड़ता है। और मॉम आप, आज एनिवर्सरी है, स्पेशल डे है, प्लीज डिसाइड कीजिए कि आज के बाद आप ये स्टूपिड स्टोरी नहीं सुनाएंगे। और मॉम आप अगर थोड़ी स्मार्ट होती ना तो नानू आपके लिए प्रिंस चार्मिंग जैसा लड़का ढूंढते। ईशा तो क्या बकवास कर रही है, माँ पापा से प्यार करती थी। प्यार इज लाइक लग्जरी, लाइक बेटर कार। और बेटर कार खरीदने के लिए ऑलरेडी एक कार होना बहुत जरूरी है। और मॉम सब कुछ छोड़ के आ गई, किस लिए? प्यार के लिए। और बचा क्या? कुछ नहीं। मुझे ना लव से प्रॉब्लम है ना लग्जरी से, बस एक चीज नहीं समझ आती। मॉम आप इतनी टैलेंटेड थी, यू गॉट द बेस्ट एजुकेशन, तो आपने कुछ काम क्यों नहीं किया? नौकरी और हम? नेवर। आप भूल रही हैं, हम दौलतगंज की राजकुमारी हैं। अच्छा लगता रोज सुबह बैग उठाकर नौकरी पे निकल जाते? गॉश, वैसे भी इस शहर में रहकर हम किसी के अंडर काम कर भी नहीं सकते थे। इसीलिए मामा हम सब लोग ये सोच रहे थे कि हम सबको कोई दूसरे शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए और फिर जॉब के लिए भी भटकना पड़ेगा। आई जस्ट विश यू मैरिड रिच। मॉम इंसान के पास पैसा होता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। व्हाट आर यू सेइंग ईशा, मॉम लव्ड पापा। हम सबकी सोच अलग है, टेस्ट अलग है, चॉइसेस अलग है, लेकिन हम एक हैं, ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। और शायद इसीलिए गॉड फिर से जेलस हो गए। और हमें उस दिन बॉम्बे से वो इनविटेशन आया, जिस इनविटेशन ने हम सबकी लाइफ बदल दी। इट फेल्ट लाइक ट्रबल वॉज इनवाइटिंग अस, और वॉज इट बॉम्बे द बिग सिटी दैट वॉज कॉलिंग अस? विक्रम बेदी, कमाल है, आज इतने सालों बाद उन्हें हमारी याद कैसे आ गई? पार्टी तो बॉम्बे में है। माँ विक्रम बेदी वही ना, आपके फ्रेंड परी के हस्बैंड? सिर्फ फ्रेंड नहीं दिवीना, बेस्ट फ्रेंड थी परी। परी की डेथ होने के बाद विक्रम ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं। फिर पता नहीं आज अचानक कैसे, हो गैस, एटिकेट और होटल दोनों बुक्ड है। अरे ईशा मैडम, हमेशा तुम्हारा ही लास्ट मिनट तक डिसाइडेड नहीं रहता है, क्या पहनने वाली हो बता भी दो। डिजाइनर है ये, कहाँ से आएगा ईशा? वाओ, इससे पूछोगी तो हमेशा फंसोगी। प्लीज बना दे। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कभी गाउन नहीं बनाया ईशा। ईशा के सपने, मेरी पढ़ाई, मॉम की LIC पॉलिसी, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देवीना दी ने ली थी। और उसे पूरा करने के लिए
ऑल शी वॉन्टेड फ्रॉम बॉम्बे वॉज एक अच्छी नौकरी। कहते हैं बॉम्बे किसी की उम्मीद नहीं तोड़ता, बस मेरी भी पूरी कर दे। ओह माय गॉड, फाइनली वी आर हियर। बॉम्बे पहुंच गए यार। नाउ हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल द बिग थिंग्स इन लाइफ। आई थिंक बॉम्बे ने मुझे इसीलिए बुलाया है। डूड, वाओ मुझे तो वर्ल्ड में अपना नाम बनाना है और दौलतगंज तो लोग मैप में भी नहीं ढूंढ पाते, इसीलिए मुझे यहीं रहना है। द सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बॉम्बे। आज के पार्टी के प्राइम टारगेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट शिव मल्होत्रा एंड बिजनेसमैन कुशाल मेहरा। गॉड प्लीज हेल्प मी। हमें बॉम्बे कभी पसंद नहीं था, पता नहीं परी यहाँ कैसे एडजस्ट हो गई। आप लोग सब जाइए पार्टी में, हम यहीं रहेंगे। Excuse me. अरे मिनी, मैंने कहा था ना ये स्ट्रगलर टाइप्स को एंट्री मत देना। God, we have the invitation. We are the Kapoors. Yes. Mr. Vikram Bedi की लेट वाइफ परी जी की बेस्ट फ्रेंड रानी रूप कवर जी की डॉटर्स है हम। Listen, you'll wait here. टक 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 की चल के गई है, ब्रूमस्टिक पे उड़ के गई। वो रहे विक्रम जी। No, Mrs. Suri, I'm telling you. जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, चेंज हो रही है, आई एम टेलिंग यू दिस कंट्री इज गोइंग टू चेंज। यस सर। सब लोग जो है एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्लासेस मासेस सभी लोग एक लेवल पे आ जाएंगे। यू मार्क माई वर्ड्स। सुनो, आई डोंट थिंक हमें इस पार्टी में अंदर जाना चाहिए। दी अब आए तो कुछ खा के ही जाते। Just chill guys, let's just be confident and have fun. Look at this place, we belong here. अरे कमाल, तुम लोग तो अंदर ही आ गए। क्यों, आपके मैनेज आने वाले थे, उनके साथ आना था। साक्षी, विक्रम, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने इन लोगों को इनवाइट किया है दौलतगंज के रूप एंड फैमिली। रूप? अरे हाँ, वो पुरानी हवेली वाले, उनका तो कुछ महल वगैरह बिक गया था। जी, हम उन्हीं की बेटियां हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, दैट मींस माय असिस्टेंट गुफ्ट अप। अनइनवाइटेड गेस्ट, नेवर माइंड। Now that you guys are here, एक कोने का टेबल ले लो। और प्लीज डोंट बॉदर द गेस्ट्स, ओके? ब्रजेश, ये परी आंटी का फेवरेट ब्रोच है, सोचा था यहाँ आकर उनकी मेमोरी को ताजा करेंगे, बट आई गेस आपकी लाइफ में अब इसकी जरूरत नहीं है। हैव अ ग्रेट बर्थडे मिस्टर बेदी। चलो देवी, साक्षी चल। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी बट परी इस दुनिया को छोड़कर गई है, इस घर को नहीं। एंड आई वांट टू टेल यू कि वो और उसकी यादें हमेशा इस घर में बनी रहेंगी। यस सर। देखो ये हमारे खास मेहमान है, पार्टी में इनका ख्याल रखना। एब्सोल्युटली सर। विक्रम, यू रिमेम्बर निशी राइट? Oh yes, Miss Khanna, right? Yes, अभी हार्वर्ड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई है। Well, would you like to dance with me? I don't dance. Mr. Bedi, you forgot this. Perfect. इसे बिल्कुल ऐसे पहने अपने दिल के पास।
ये ब्रोच का क्या ड्रामा था? ड्रामा नहीं, स्टोरी थी। देख, उन्होंने हमारे इंसल्ट की, राइट? तो गिल्ट ट्रिप में भेजना तो बनता है ना? ओके लिसन, आई नीड टू गो फ्रेशन अप, आई नीड टू मीट शिव एंड कुशाल, बाय। भला इन पंजाबियों का खाने में 150 आइटम है, चलो खाते हैं। साक्षी, विक्रम मुझे ढूंढ रहा होगा और तुम्हारी मॉम तुम्हें, you know, let's go for a drive in my new car, okay? We'll do that. कैंडल होगा? इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने, एंड यू नीड कैंडल। मेरे ड्रेस की जिप खराब हो गई थी, आई नीड टू फिक्स इट। माय ड्रेस? या योर ड्रेस। ओके, नो व्हाट, सब लोग कहते हैं कि मेरे हाथों में ना जादू है। आप अपना जादू अपने न्यू कार और अपने न्यू डेट ले रखें। नहीं, गॉट इट। थैंक यू। एक सेकंड, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे जादू की जरूरत फिर से पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। पता नहीं काज, एक्सक्यूज मी, क्या आपने मेरी सिस्टर को देखा है? मतलब शी वाज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, बिग ब्राउन आईज और एक गोल्डन क्लच। आपके पास मोबाइल फोन है क्या? मोबाइल फोन मेरे पास कहाँ से होगा? वो तो इस पार्टी में आए बड़े लोगों के पास होगा। मैं तो करूँ यार, मैं, हेलो, तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी हॉस्पिटल में है, वो बीमार है, लेकिन मुझे यहाँ पे डांस करना है। बस इतनी सी बात है? सबसे पहले रोना बंद करो। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, एक काम करो, जाकर उन्हें बता दो कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में, वो समझ जाएंगे। आई एम श्योर। पैसे देने के बाद कोई समझता है क्या? मैंने बात करने की कोशिश करी पम्मी मैम से। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि पैसे लौटा दो, नहीं तो फिर डांस कर दो। तो लौटा दो ना पैसे, मैंने डॉक्टर को दे दिए हैं। ओके ठीक है, तो एक काम करो, मम्मी जी के पास फिर से जाओ, उन्हें कहो कि तुम वो सारे पैसे इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर दोगी। फिलहाल तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल में तुम्हारी जरूरत है। एक काम करो, तुम ये सब कुछ पैक करो और जाओ यहाँ से। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, कम। व्हाट, जाओ? Could you help me with the zip? Could you tell me something? Who was the lucky one? जिसने last time ये किया था? Someone very very special. Like who? I gotta go. Yeah, please. नहीं पम्मी जी, आप गलत समझ रही है। इस बेचारी की माँ हॉस्पिटल में है, इसको हॉस्पिटल में होना बहुत जरूरी है। मैं भी इसे यही कह रही थी कि मुझे मेरे पैसे दे दो और चले जाओ। वही तो प्रॉब्लम है, इसने वो सारे पैसे डॉक्टर को दे दिए। मैं उसे वही समझा रही थी कि वो पैसे धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस कर देगी। क्यों, लेते वक्त तो पूरे पैसे लिए थे ना, तो देते वक्त भी पूरे ही होने चाहिए। मम्मी जी प्लीज, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। और अगर इसे जाने दो तो परफॉर्म कौन करेगा? तुम? मैं क्यों परफॉर्म करूंगी पम्मी जी? सी,
एग्जैक्टली माई पॉइंट. कहना बहुत आसान है, करना नहीं. अम्मी आंटी, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? जो भी खर्चा हुआ है, आई विल टेक केयर ऑफ इट. ओके, ये कहीं नहीं जाएगी. शी हैज टू डांस. आंटी कैसे? उसकी मॉम की तबीयत खराब है. हाउ शी गोना परफॉर्म? प्लीज एक्सक्यूज मी मैम. हां, आई एम कॉलिंग माय ड्राइवर. आप उसको लेकर आ जाओ. आंटी प्लीज. एक्सक्यूज मी. मम्मी अपने फ्रेंड्स को किए हुए वादे को कभी नहीं तोड़ती. परफॉर्मेंस तो आज जरूर होगा. तुम जा सकती हो. राहुल इज अ सॉफ्ट हार्टेड बॉय. मैं उसे ना नहीं करूंगी. बट कांट डू द सेम विद द मनी, राइट? सो यहां से जाने के लिए तुम्हें मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे. और बाहर जो मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, उन्हें अपसेट करने के लिए मुझे तो तुम्हें सू करना ही होगा. सो यू नो व्हाट टू डू. मैं परफॉर्म करूंगी. मामी जी, आप इसे जाने दीजिए, मैं परफॉर्म करूंगी. तुम जाओ. वेल देन, कॉस्ट्यूम वहां रखा है. गेट रेडी एंड आई विल सी यू आउटसाइड. मैं ना अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ. यू कैन ज्वाइन अस. वेल, I already have plans, you know. Give me your number. I'll call you. Well, random logon ko main apna number nahi deti. Well, in that case, here. Yeah. Keep my phone. Mujhe call karne ki zarurat nahi hai. I'll call you. Hello, ladies and gentlemen. Mere Vikram ki naughty 50th ke occasion pe humne kuch special plan kiya hai. I'm sure you're gonna love it. So, from the exotic land of Pins of Punjab, belly dancer, Devina Kapoor. Gentlemen, Devina Kapoor, daughter of Her Royal Highness of Daulatganj. Aap sab ke liye Vikram Bedi ke birthday par dance nahi, ek gana gayenge. So put your hands together for Devina Kapoor. Come on, guys. Come. It's okay. Wonderful. आज मुझे बहुत सालों के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी के वो पल जो मैंने अपनी परी के साथ गुजारे थे वो सब फिर से मेरे सामने आकर खड़े हो गए. थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट एवर. ये गाना परी गाया करती थी मेरे लिए. और आपको ना बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा. आपने ना वक्त को रोक के रखा. बॉस अगेन. अरे यार, तुझे कितनी बार मना किया. कॉल मी समथिंग एल्स. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट वो क्या है ना, हो नहीं पाता. आपने मुझे कहां से कहां बिठा दिया. और बॉस में ना थोड़ी इज्जत होती जो मैं आपकी करता हूं. अरे यार, तू कभी नहीं सुधरेगा. मैं तुझे यहां पे सिंगल मॉल्ट पिला रहा हूं और तू है कि पास्ट में अटका हुआ है. अरे भूल जा, दैट वाज अनदर लाइफ. मूव ऑन. आप मुझे बोल रहे मूव ऑन? ओ निशी खन्ना, लाइन पे लाइन मार दी आप पे और अब एक भाव नहीं दे रहे उसको. कम ऑन. लेकिन उसकी नजरें तुझ पे थी. दीस गर्ल्स, आई टेल यू. तो तुझे मिला कोई शिव या कुशाल?
द वन जिसे तू ढूंढने निकली थी। Maybe. तुझे कोई मिला? शायद। Really? What? कौन बताना? था कोई। Someone sweet and nice. Smart? Kind. Naughty? दूसरों का ख्याल रखने वाला। मेरा वाला तो hot, desperate, sleazy सर। मेरा वाला एकदम प्योर। You know what, Vikram? अकेलापन कोई ट्रॉफी नहीं है। It's high time. You move on. प्यार के लिए जगह बनाओ। लव जो है ना, वो ऐसे नहीं होता। वो किसी की परमिशन नहीं मांगता। वो ना तो पूछता है, ना वेट करता है, न सोचता है, न प्लान करने देता है। वो तो बस मौका देखता है और जकड़ लेता। राइट। मुझको लगता है कि मैं जकड़ा गया। अच्छा सुन, अपने वाले से दोबारा मिलेगी? पता नहीं, लाइफ का ये तो फंडा है, चॉइसेस देती है। कुछ लोग पैसे को चुनते हैं, कुछ लोग प्यार। लेकिन प्यार जो है ना, किसी को भी चुनने का मौका नहीं देता, बस सीधा चकर लेता।